ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो फ्रेंड्स, आज एक न्यू और फ्रेश रीडिंग के साथ आई हूँ आपके पास, और इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा शुड यू वेट और मूव ऑन, यानी कि क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या अब इस रिश्ते से मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। क्या ये पर्सन जेन्युइनली आपको चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो आपके रिश्ते की कंबाइंड एनर्जी निकालेंगे कि रिश्ते की क्या कंबाइंड एनर्जी है, और फिर देखेंगे कि वो क्या चाहता है और आपको क्या मूव ऑन करना चाहिए या फिर आपको रुक जाना चाहिए। तो एक डिसीजन लेने में आपको बहुत इजी और आराम से आप सोच पाएंगे। अच्छा, अब ये एक जनरल रीडिंग है, सो बहुत लोग आजकल भी रिप्लाई करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बिल्कुल गलत रीडिंग है मैम ये है, प्लीज़ ये एक जनरल रीडिंग है, उस राशि की रीडिंग है। अगर आपसे मैच होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो प्लीज़ ज़बरदस्ती खुद पे ना इसे थोपे मत, इसे कुछ भी फोर्स नहीं करना है। एक जनरल वे में इस रीडिंग को देखें और अपने ऊपर फोर्स ना करें, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और हाँ, एक लास्ट बात कि जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और जो लोग ऑलरेडी देखते हैं वीडियो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल का ऑल का ऑप्शन ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको वीडियोज़ मिलें, ठीक है। और एक लास्ट बात कि पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, वहाँ पर कुछ पेमेंट होती है और एक कुछ नॉमिनल चार्जेस या जो भी आपको लगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप वो देकर रीडिंग ले सकते हैं। सो फटाफट से रीडिंग को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या है आपकी एनर्जीज, कंबाइंड एनर्जी आप दोनों के इस रिलेशनशिप की। फटाफट से आपकी कंबाइंड एनर्जीज निकालते हैं। सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप का क्या चल रहा है अभी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो टॉरस, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई हैं और आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को ही ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। अगर पहले बहुत अच्छा था ये रिश्ता, तो अब बिल्कुल जो ये थर्ड पार्टी आई या फिर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हुई या आपस में इतने मतभेद हो गए जिसकी वजह से रिलेशनशिप में उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है। रिलेशनशिप एक हैवॉक सिचुएशन से गुजर रहा है, आप दोनों सिचुएशन को काफ़ी संभालने की हालांकि कोशिश करते हो। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आज भी इस रिश्ते में एक दूसरे के लिए आपके मन में प्यार है, भले आप दोनों ऑन ऑफ में हो, भले आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आप अगर साथ भी रहते हैं, कम बोलते हैं, दूर चले जाते हैं, जो भी कहानी जिस भी टॉरस से ये मैच करती हो, वो ये है कि प्यार अभी भी जिंदा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। सो आप यही सोचते हैं या पार्टनर मिलकर एक तरह से कि अब कुछ ऐसा हो कि कम्युनिकेशन हो, बातचीत करके हम दोनों इस रिश्ते का एक ऐसा हल निकालें, एक ऐसा सोल्यूशन निकालें जहाँ पर दोनों खुश हों, जहाँ पर दोनों अपनी हीलिंग कर पाएं, इस परेशानी से बाहर आ पाएं, इसका एक सोल्यूशन निकाल पाएं। अगर ये एक अजीब से राह पे निकल गया है रिश्ता हमारा, तो उस राह से उस रिश्ते को एक ऐसा मोड़ दिया जाए कि जहाँ पे अब दोनों के लिए एक मतलब एक शांति मिल जाए दोनों को कि हाँ ठीक है, मेरा ये रिश्ता था, ये इस तरह से चला, ये ऐसा नहीं बन पाया या संभल पाया, तो अब मैं इसको ऐसे करूँ। मतलब आप दोनों ही एक सॉल्यूशन मोड में हो, मुझे जो दिखता है। इनफैक्ट अगर आप दोनों साथ भी रहना चाहते हो तो भी पुरानी जो ये जो पेन मिला है उससे बाहर निकलकर उसे संभालना चाहते हो। सो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो कहता है इस सिचुएशन में, वो यही कहता है कि आप दोनों अब इक्वल गिव एंड टेक पे। देखें, द लवर्स का कार्ड आ गया। मैंने कहा ना, एक चीज़ जो मैंने आपके बारे में बोली वो ये है कि लवर्स, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं,
टॉरस जिससे भी डील कर रहे हो, फीलिंग्स तो हैं, वो इंसान ने आपके साथ गेम नहीं खेला है, जेन्युइनली लव करता था तभी आपके साथ घर परिवार बनाया, आपके साथ इतने साल बिताए जिंदगी के, कमिटमेंट चाहता था आप नहीं दे पा रहे, रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता है आप नहीं कर पा रहे, या हो सकता उनकी भी कमियां रही हैं, लेकिन प्यार जरूर है। अब वही होता है ना कि हम लोग सब प्यार तो कर लेते हैं लेकिन उसे चैनलाइज नहीं कर पाते, उस प्यार को शायद सामने वाले को कुछ लोग तो समझा नहीं पाते और कुछ लोग समझाते हैं तो सामने वाला समझ ही नहीं पाता। सो ये मुझे आपकी कंबाइंड एनर्जीज नज़र आई हैं। आइए देखते हैं क्या अब आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या इससे बाहर आ जाना चाहिए, उसकी मैं रीडिंग निकालती हूँ। सॉरी, तो क्या करना चाहिए टॉरस को। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, एकदम से कैमरा पे हाथ लगा और वो गिर गया। तो वही है, रीडिंग बनाते वक्त कैमरा को भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत उसकी पोजीशंस का ध्यान रखना पड़ता है। सॉरी फॉर दैट। ऑल राइट, सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो टॉरस क्या रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। टॉरस देखिए, अगर आपकी तरफ से इस रिश्ते में धोखा हुआ है या आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, लवर्स का कार्ड अभी फिर से आया है, तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कहा ना प्यार है इस रिश्ते में, प्यार की कमी नहीं है। अगर आप अपने इन एक दूसरे के साथ किए हुए धोखे को माफ़ कर सकते हैं, अगर आपके पार्टनर ने, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, इनफैक्ट फाइनेंशियल लॉस भी सहा है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं, आपके बिना वो गुजर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जहाँ तक वो पेज ऑफ कप्स की रीडिंग आई है, लवर्स आ गया, सो फिलहाल तो मुझे नहीं दिखता आप दोनों एक दूसरे को ज़रा सा भी प्यार दिखा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हो। बट जो चीज़ अभी भी है कि अगर एक दूसरे के इस धोखे को माफ़ कर सकते हो तो आप लोगों को वेट करना चाहिए और एक दूसरे को सेकंड चांस देना चाहिए, क्योंकि प्यार है। लेकिन अगर वही सेम पैटर्न आप लोग फिर से दोहराने लगे, जो एक दूसरे को धोखा दिया या किसी एक ने धोखा दिया और दूसरा सिर्फ बेचारा सफ़र कर रहा है, देन आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। अब वो धोखे वाला पैटर्न आप सोचेंगे या आपका पार्टनर सोचेगा कि वो आपके साथ कर लेगा और वो दोबारा से हो जाएगा, सो वो चीज़ अब नहीं होगी। पार्टनर ने बहुत क्लियर माइंडसेट बना लिया है या आपने बना लिया है कि वो चीज़ नहीं होगी। तो अगर धोखा ख़त्म कर सकते हो देन ठीक है, वेट करें, नहीं अगर लगता है देन मूव ऑन करें, नो मैटर कि कितना भी प्यार है, फीलिंग्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो आइए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है, आपकी क्या निकलती है डिवाइन गाइडेंस फॉर टॉरस राशि। सोल फ्लेम का कार्ड है, डिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो कहीं ना कहीं आप राधा का कार्ड ये कहता है कि अपने हिस्सा, जो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, खुद का हिस्सा आपका खो गया है, उसे दोबारा से पाएं वापस, और वो तभी पा पाओगे जब आप हीलिंग करोगे खुद की, जब आपको वापस से रिलेशनशिप में खुशियाँ मिलेंगी। अगला है, ये कोई कार्मिक कार्ड है, यानी कि कुछ ऐसा कर्मा है जो आप इस पर्सन की तरफ से रिलीज़ हो रहा है आपका और ख़त्म हो रहा है, कोई पैटर्न था, कोई वूंड था आप दोनों का जो हील हो रहा है, जिसकी वजह से आपने सफ़र किया है। एंड धर्मा अनफोल्डिंग का टाइम है कि आप अब एक सही रास्ते पर हो, आप एक ऐसे रास्ते पर हो जहाँ पर आपको एक एक करके आगे बढ़ना है ताकि ज़िंदगी अब आपको खुशियाँ दिखाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है आपकी रीडिंग, होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें और मुझे बताना कि मैच हुआ कि नहीं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।